Hello guys, thanks for watching my video. We all have dreams. We want to live life with dignity and we want to be in good post. अब उस पोस्ट के लिए हमें एग्जाम भी देने पड़ते हैं. ऑल हैव डिफरेंट पाथ और एक उसमें पाथ है कि एग्जाम में अपीयर हो. एक ऐसे ही एग्जाम की बात करने जा रही हूँ, एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. एसएससी कंडक्ट्स एग्जाम एवरी ईयर फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट, डिफरेंट पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड सीजीएल, फुल फॉर्म ऑफ सीजीएल इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल. दिस एग्जाम विल टेक यू टू डिफरेंट पोस्ट. यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन एंड यू कैन मेक अप योर माइंड कि मुझे वहां पर जाना है और मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट सीजीएल एग्जाम एवरी ईयर, मस्ट बी ए ग्रेजुएट, यानी आपको बीए और बीकॉम और बीएससी होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं. नाउ आई विल टॉक अबाउट स्टेजेस ऑफ एग्जाम. दिस एग्जाम इज कंडक्टेड इन फोर स्टेजेस. फर्स्ट वन इज कॉल्ड टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री एंड टीयर फोर. यू कैन सी योर टू एग्जाम्स विल बी ऑनलाइन. आपके ये दो एग्जाम ऑनलाइन होंगे. टीयर थ्री एंड फोर्थ, दीज एग्जाम्स विल बी ऑफलाइन. ऑफलाइन मीन्स विद पेपर एंड पेन. ये आपके इस तरीके से एग्जाम होंगे. सो यू मस्ट हैव क्लियर आइडिया. अब हम बात करते हैं इस ईयर के एग्जाम की. 2021 गवर्नमेंट की ओर से नोटिफिकेशन आउट हो गया है. नाउ क्वेश्चन अराइजेज, हाउ वी अप्लाई, हमें कैसे अप्लाई करना है. Application that will be online. Official website is given on the screen. आप इस लिंक पर क्लिक करना और आपकी वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी. Now last date of application that is 31st January. Jan 2021. For fees deposit, 2nd Feb, last date. चलान से अगर आप भरना चाहे तो that is 6th Feb, उसकी डेट, लास्ट डेट 6th Feb है. ये तो आपकी डेट्स है एप्लीकेशन की. डेट्स ऑफ द एग्जाम हैव ऑल्सो बीन अनाउंस्ड. योर एग्जाम विल बी फ्रॉम 25th May to 7th June. ऑनलाइन होंगे ना, आपको वेबसाइट पर ही फिर आपको डेट मिल जाएगी. और फर्स्ट जो टीयर का एग्जाम है वो आपका फर्स्ट टीयर का एग्जाम 25th May और 7th June के बीच में होगा. नाउ वी टॉक अबाउट एग्जाम टीयर वन. फर्स्ट स्टेज के एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे. दिस एग्जाम हैज फोर कंपोनेंट्स, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश. सो ये आपके फोर कंपोनेंट्स, क्यूमुलेटिव आपको टाइम दिया जाएगा और इसलिए आपको फास्ट होना भी जरूरी है. सो प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट,
because there is negative marking. तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपने कोई क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग अटेम्प्ट किया है तो उसके मार्क्स आपके स्पेशल डिडक्ट हो जाएंगे. सो इस बात का आपको सीजीएल एग्जाम में ध्यान रखना है. आपकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी और हमने बहुत जल्दी इसलिए इन्फॉर्मेशन दी है आप आराम से अप्लाई कर सकें. आप इसको लिंक को क्लिक करना, वो आप ध्यान से केयरफुली उसको फिल करना सभी कॉलम्स को. नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे एंड सबसे पहले ऑब्वियस है जनरल इंग्लिश के बारे में कौन कौन से आपके टॉपिक होंगे, वेयर यू शुड फोकस और कैसे कैसे प्रिपरेशन करें कि ये एग्ज़ाम जो है आप क्रैक कर सकें. आप विद्या क्लासेस चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप इंग्लिश में पूरा स्कोर करेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ. बट बच्चे अब जुड़ना तो पड़ेगा ना, आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, होमवर्क दिया जाए वो भी करना पड़ेगा. और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे करें, और ये चीज़ें सब आपकी हैंडल की. I hope you enjoy the video. Like and share the video with your friends. आप अपने friends को भी बताएं. Thank you.